कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम. सो इसमें क्या है हमारे पास कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम में, इफ आई एन हियर व्हाट इज आई एन, दिस इज ए क्लोज इंटरवल ऑफ टू सीक्वेंस ए एन कॉमा बी. ए एन बी एन बी अ सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल. सो क्लोज इंटरवल है ए एन बी एन, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं आर वन. सच दैट क्या कंडीशन है इसकी, जो आई एन प्लस वन है कंटेन्ड इन आई एन. आई एन प्लस वन किसमें कंटेन्ड है, आई एन एथ इंटरवल. आई एन प्लस वन एथ इंटरवल इज कंटेन्ड इन आई एन फॉर एवरी एन एंड एल ऑफ आई एन. एल ऑफ आई एन इज लेंथ ऑफ द इंटरवल. जो इस इंटरवल की लेंथ है, जो हमने इंटरवल लिया है उसकी लेंथ को हम एल ऑफ आई एन विच इज इक्वल टू क्या होगी बी एन माइनस एन एन. क्या होनी चाहिए टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. कहता जो उसकी लेंथ है वो क्या है टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. देन हम क्या कह रहे हैं देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी. एक सी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट सी भी इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है आई एन. सो हमारे पास जो आई एन इंटरवल है उसमें हमारे पास क्लोज इंटरवल में ए एन और बी एन दो जो वैल्यूज हैं और उसकी लेंथ क्या है बी एन माइनस ए एन, वो टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी. और एक कंडीशन क्या है जो हमारी आई एन प्लस एन वनथ इंटरवल है इसमें कंटेन्ड है आई एन इंटरवल में. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव एक यूनिक सी एग्जिस्ट करता है सच दैट वो भी किसको बिलोंग करता है आई एन को बिलोंग करता है. सो हम शुरू करते हैं बेटे प्रूफ करना. सिंस फर्स्टली आई एन प्लस वन इज कंटेन्ड इन आई एन, इसका मतलब तो हमारी पहली वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है ए एन सी. सो हमारी वैल्यूज कैसे आ गई ए वन सॉरी जनरल लेते हैं ए एन लेस देन ए एन प्लस वन लेस देन बी एन प्लस वन लेस देन बी एन. अकॉर्डिंग टू दिस इंटरवल वी हैव दिस इनइक्वालिटी फॉर एवरी एन. ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें इक्वालिटी होगी. नाउ अगर हम सिर्फ ए एन वाली की बात करते हैं तो ए एन प्लस वन वाली बड़ी टर्म्स हैं, ए एन क्या है छोटी, जिसमें से ये क्या है हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग. मतलब इसका ऑर्डर क्या करते हैं बेटे ए वन लेस देन ए टू लेस देन ए थ्री सो ऑन ए एन लेस देन ए एन प्लस वन, और ये ऑर्डर चलता जा रहा है. अब हम इस साइड देखते हैं अगर यहाँ पे एन है यहाँ पे एन प्लस वन तो इसमें ऑर्डर में क्या आ रहा है बी एन ग्रेटर है, दिस मीन्स इसमें छोटी वाली जो है आपकी टर्म बी एन वो ग्रेटर है. दिस मीन्स ये क्या है हमारी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. इसका ऑर्डर क्या है हम कैसे आएगा बेटे देखो बी वन छोटी वाली टर्म ग्रेटर है बी वन ग्रेटर देन बी टू ग्रेटर देन बी थ्री ग्रेटर देन बी एन ग्रेटर देन बी एन प्लस वन. तो ये हमारी कंप्लीट इक्वालिटी यहाँ से आई है, इसको हमने टू पार्ट्स में लिख लिया. सो डेट हमें यहाँ से क्लियर हो गए कि हमारी जो है ये ए सीक्वेंस जो है डेट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड चेक किया जाए इसे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ए वन. सो ए एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड इज बाउंडेड अब, और ये किससे बाउंडेड अब है हमारी बी वन से. तो इसकी जो वैल्यू है सबसे ए वन है और ये इक्वालिटी ऐसे ही चलती जा रही है आपकी देखो ऐसी चलती जा रही है. तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बी वन आ जाएगा और इक्वालिटी ऐसे आ जाएगी क्योंकि ये टर्म हमारी ऐसे सो क्या आ गया दिस इज बाउंडेड अबव बाय बी वन. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है बाउंडेड अबव भी है जिसमें ये हमारी सीक्वेंस क्या बनेगी कन्वर्जेंट. सिमिलरली हम सेम स्टेप्स पे हमने यहाँ पे देखा था ये हमारी सीक्वेंस क्या है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और ये किससे आ रही है बाउंडेड बिलो बाय ए वन क्योंकि ये इक्वालिटी जो है हमारी हमारी इकट्ठी इक्वालिटी है यहाँ पे ए एन लेस देन वन बी एन प्लस वन ऐसे ही इक्वालिटी हमारी चलती आ रही है बेटे बी वन. तो आप इससे ज्यादा क्लियर कर सकती हो जो ए एन है किससे बाउंडेड है बी वन से बाउंडेड है बाउंडेड अबव आगे इसीलिए ये कन्वर्जेंट है और जो हमारे बी एन है वो किससे है बेटे ए वन से बाउंडेड बिलो आ रही है इसलिए कन्वर्जेंट है बिकॉज वी नो इफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो देन अबव सीक्वेंसेस आर कन्वर्जेंट.
सो बाय दिस रिजल्ट वी हैव दिस इनइक्वालिटी और इसको जब हमने ओपन किया वी हैव दिस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड वर्क कन्वर्जेंट bn के लिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो देन bn सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और जब कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है बेटे देन हम क्या लिखते हैं उसकी लिमिट लेफ्ट an किसको कन्वर्ज कर रहा है अल्फा को और bn किसको कन्वर्ज कर रहा है बीटा को मतलब ये इसकी लिमिट्स हैं अल्फा एंड बीटा नाउ वी आर टेकिंग फैक्टर ओनली bn तो bn में अगर मैं an ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो bn ही रह जाएगा और जब हम इसको दो टर्म्स बना लेते हैं तो ये क्या बन गया bn माइनस an एक टर्म बन गई an एक टर्म बन गई बेटे नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू टेक लिमिट दोनों साइड लिमिट ले ली क्रॉस मेरे पास ये हमने इसका यूज कर लिया सो नाउ वी आर टेकिंग लिमिट दिस वेक्टर इज जीरो हमें गिवन है कि इसकी जो लेंथ है वो क्या है जीरो एज n टेंड्स टू इनफिनिटी सो हमारे पास क्या रह गया ओनली लिमिट n टेंड्स टू bn और लिमिट टेंड्स टू n टेंड्स टू इनफिनिटी bn और वो लिमिट हमारी क्या है अल्फा एंड बीटा सो बीटा और अल्फा हमारे क्या आ गई बराबर आ गई और इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं सी उसको हमने दोनों को हमने अल्फा बीटा को हमने सी नाम दिया नेक्स्ट क्या है सी क्या है सी सीक्वेंस के लिए ए एन के लिए लीस्ट अपर बाउंड है और बी एन सीक्वेंस के लिए क्या है उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है दोनों के लिए हम इसको नाम सी दिया बट अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड वर्क सो इसके लिए हमारे लिए अपर बाउंड है लीस्ट अपर बाउंड और बी एन सीक्वेंस के लिए क्योंकि ये डिक्रीजिंग और बाउंडेड बिलो है इसके लिए हमारा क्या है लोअर बाउंड है दैट इज कॉल्ड जी आई बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सो वी हैव दिस इनइक्वालिटी इसके लिए अपर बाउंड और उसके लिए लोअर बाउंड सो ए एन और बी एन के बीच में हमारे पास क्या आ गया सी ए एन लेस देन सी लेस देन बी एन और यू कैन से सी बिलोंग्स टू एन कॉमा बी एन और बाकी से एन कॉमा बी एन सो हमने ये प्रूफ करना था कि हमारा जो सी नंबर एग्जिस्ट करेगा जो आई एन एथ इंटरवल को बिलोंग करता है बेटे सो वी हैव सी बिलोंग्स टू आई एन बट इसमें और एक पॉइंट था हमारे पास भी क्या है यूनिक है अब हम इसके ऑपोजिट चलते हैं वही टेक यूनिक हम क्या कहेंगे यूनिक नहीं है हम इसको दो वैल्यू से लेट शो दैट सी इज यूनिक That there exist two real numbers. उसमें एक सी रियल नंबर था हम इसमें दो ले लेते हैं सी और सी डैश ले लेते हैं और दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे आई एम सच दैट लेंथ ऑफ दिस इंटरवल क्या हो जाएगी ग्रेटर देन सी माइनस सी डैश पर बेटे हमारी लेंथ क्या थी यहाँ पे टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इनफिनिटी पर यहाँ पे ये जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही है और अगर जीरो को कन्वर्ज नहीं कर रही है जिस चीज ये हमारा अवेलेबल पॉइंट भी satisfied कर this means which is a contradiction because we required this length to be zero when n tends to infinity that is not possible so this means ये contradiction है this means c और c dash दो points नहीं हो सकते जो आई एन को belong करते हैं so c is a unique so हमारे पास क्या है c unique है so Cantor intersection theorem क्या कहती है कि there exists c belongs to i n जो कि unique value है और गिवन क्या है आई एन जो इंटरवल ए एंड बी एन वैल्यूज एंड आई एन प्लस वन कंटेन्ड इन आई एन फर्स्टली सेकेंडली लेंथ ऑफ दिस इज टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इनफिनिटी नेक्स्ट बेटे व्हाट इज लिमिट सुपीरियर एंड व्हाट इज लिमिट इनफीरियर वी आर टेकिंग एग्जांपल फर्स्टली इफ एक्स एन इज माइनस वन डी एन यस यू नो When we substitute here n is equal to 1, 2, 3, 4, we have only two values that are minus 1 and 1. So, xn has two cluster points namely minus 1 and 1. So, इसमें सिर्फ दो possible points ही हैं, वो क्या है? Minus 1 and 1. So, e हमारा set क्या होता है? Set of all cluster points. So, हमारे इसमें cluster points क्या है? Only minus 1 and 1. So, हमारा जो e set exist कर रहा है, जो क्या है? सभी cluster points को हमने इकट्ठा करके लिख दिया. Now, what is limit superior? Or you can say upper limit. और इसको rewrite कैसे करते हैं? देखो, upper limit n tends to infinity xn और supremum of xn. तो इस सब का मतलब एक ही है. इसको लिख कैसे सकते हैं बेटे? तो इसमें superior limit क्या है हमारी? 1.
सो अवर लिमिट्स पीरियड इज 1। नेक्स्ट सेम बेसिस पे पहले इसको और डिफाइन क्या कर सकते हैं, एल यू बी लीस्ट अपर बाउंड, किसका लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई इन द एक्सटेंडेड रियल सिस्टम इज कॉल्ड लिमिट्स पीरियड। सो लिमिट्स पीरियड क्या होती है हमारी, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई, और व्हाट इज ई, सेट ऑफ ऑल क्लस्टर पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल क्लस्टर पॉइंट्स का एल यू बी लीस्ट अपर बाउंड इन द एक्सटेंडेड रियल सिस्टम इज कॉल्ड लिमिट्स पीरियड। सिमिलरली लिमिट इंटीरियर क्या होती है, जिसको हम लोअर लिमिट भी बोलेंगे, और इसको यहाँ पे ऊपर लगाइए, हमने यहाँ पे नीचे लगाएंगे, देखो एक्स एन, और यू कैन से लिमिट एंड डेंसिटी इक्वल ऑफ जो इंटीरियर लिमिट है ऑफ एक्स एन, और वो क्या रहेगी बेटे, इंटीरियर लिमिट इस एक्स से माइनस वन। सो ये हमारी क्या है, लिमिट इंटीरियर। तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोला था लीस्ट अपर बाउंड, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ई, व्हाट इज ई, सेट ऑफ क्लस्टर पॉइंट। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ E in the extended real system is called limit inferior. So वो हमारी क्या आ जाएगी, limit inferior, और यहाँ से limit inferior extent क्या है हमारी minus one, और superior में क्या है हमारी limit superior extent equal to क्या है हमारी one. So हम E को extended real system में उसके cluster points का set बना लेंगे, फिर उसमें से देखेंगे भी least upper bound क्या है इसके लिए, limit superior के लिए बेटे लिस्ट अपर बाउंड सेट देखेंगे, वो हमारी आ जाएगी लिमिट सुपीरियर, और इंफीरियर के लिए क्या देखेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड देखेंगे उसी सेट ई में जो हमारा क्लस्टर पॉइंट है, तो वो हमें क्या दे देगी, इंफीरियर पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीक्वेंस। थैंक यू।